इस वीडियो में दिखाया जाता है कि किस तरीके से आप केनू में से पेट्रोल निकालकर गाड़ियों में डाल सकते हैं, खाने के ऑयल को टीन से निकालकर किसी बर्तन में रख सकते हैं। प्रोडक्ट इस वक्त मेरे हाथ में है और आप इसको देख सकते हैं, बासानी के साथ इसको मैंने ऑर्डर करवाया था, तो ये वही प्रोडक्ट है। क्या सच में वर्क करता है? अगर ये वर्क करता होगा तो ये फिर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है, क्योंकि हमारे घर का ये किचन का बहुत ही हेल्पफुल प्रोडक्ट है। चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या सच में ऐसा करता है कि नहीं। देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। ये आप इसको देख सकते हैं बाज़ाब्ता तरीके से, ये आप देखिए, ये यही पंप है, इसको मैंने ऑर्डर करवाया था। कि जिप उन्होंने ऊपर से दिया, आप इसको देख सकते हैं, ये जिप है ऊपर से, ये देखिए, इसको आप ऐसे ओपन करोगे तो ये पूरा का पूरा लिफाफा खुल जाएगा। ये एक पंप है, इसी को दबाना पड़ता है, देखिए। इसके साथ में एक और चीज़ है कुछ, ये आप देख सकते हैं, ये पाइप है, देखिए। मेरे हिसाब से ये पाइप जो है करीबन 1.25 मीटर है, लंबी पाइप है, देखिए 1.25 मीटर के आसपास ये पाइप होगी। और इसके साथ इन्होंने एक और आइटम दिया है इसके साथ, ये आप देख सकते हैं, ये दो क्लिप है, ये इसके अंदर डालना पड़ता है, देखिए इस तरीके से। ये पाइप को पहले फिक्स करना पड़ता है, इस तरीके से पाइप फिक्स हो गई। अब ये जो है, ये क्लिप हमने इसके ऊपर बराबर लाना है और फिर इसको कसना है इस तरीके से, देखिए देखिए, इसको मैंने फिक्स कर लिया। तो चले, ये कुछ आइटम हमने यहाँ पे रखे हैं, तो सबसे पहले हम दूध का ट्राई करेंगे। देखिए ये खाली जगह, एक मग है मेरे पास, आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसी को निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये जो पंप है, इसको हमने जो भी निकालना होता है उसको थोड़ा हाइट पे रखना पड़ता है, उसके बाद में ये एक जो पाइप है इसके अंदर डालनी पड़ती है। देखिए देखिए, बस बस कर, ये देखिए अंत ब्रोमोटर, ये देखिए, क्योंकि इसको थोड़ा हाइट पे रखना पड़ता है, फिर ये आसानी के साथ इसको निकाल सकता है। तो अब हम यहाँ पे वाटर निकालेंगे, ये वाटर की बाल्टी ने, आप इसको देख सकते हैं, इसमें वाटर है, ये देखिए, ये हमने थोड़ा सा हाइट पे रख लिया यहाँ पे, ये देखिए इसके अंदर अब हम ये पाइप डालेंगे, क्योंकि इसको बेसिकली हमने 2-3 आइटमों के ऊपर ट्राई करना है। तो इसके अंदर हमने इसको डाल दिया है, अब हम यहाँ से पंप करेंगे और देखते हैं कि क्या ये वाटर को भी निकालने में सक्सेसफुल हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए ये देखिए गाइस, मुझे लग रहा है कि ये ज़बरदस्त वर्क करता है, क्योंकि ये दूध को भी हमने निकाल दिया, अब हम वाटर को निकाल रहे हैं, यानी इसका मतलब ये भी है कि ये मिट्टी के तेल को भी निकाल सकते हैं, जो ऑर्चर्ड स्प्रे ऑयल होता है उसको भी निकालेगा बड़े आराम के साथ, क्योंकि तब पेस्टिसाइड डीलर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, बस एक दो बार इसके ऊपर पंप करना पड़ता है, फिर ये गोली की मानन ये सब कुछ निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है, जो भी लिक्विड होता है, देखिए। तो दोस्तों, अब इसका असली टेस्ट होने वाला है, असली, अगर यहाँ पे ये कामयाब हो गया तो मैं इसके सीधे 5 स्टार दे दूंगा और हाई रेटिंग करूंगा, और आप तमाम दोस्तों को गुजारिश करूंगा कि आप इसको ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया कि ये किचन के लिए एक हेल्पफुल प्रोडक्ट होने वाला है। देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास बर्तन है, ये देखिए, ये खाली बर्तन मेरे पास है। अब इसके अंदर मैं तेल डालूंगा, इस बर्तन का ठांड मैंने उठा दिया ऊपर से, और साथ में ये मेरे पास एक, ये हर किचन में हमारे यहाँ कश्मीर के अंदर होता है, या किसी भी जगह जहाँ भी ये किचन का वर्क होता है, और जो भी घर का काम होता है, तो किचन में ये अवेलेबल होता है। तो देखिए, ये भी खाली है, ये देखिए, ये भी खाली है। अब इन दोनों में मैं ये मिट्टी का, ये खाने के ऑयल को आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पुत्र का ऑयल है, ये देखिए, ये बड़ा केन है, ये 15 kg का केन मेरे पास मौजूद है खाने के ऑयल का। तो अब ये दोनों चीज़ मैं यहाँ पे रखता हूँ और फटाफट से ये पाइप में इस केन में डाल दूंगा। इस केन को आप किसी भी जगह से होल कर सकते हो, ये मैंने यहाँ से इसका होल कर दिया है, असल में इसका ढक्कन यहाँ पे होता है, इसको उठाना पड़ता है, लेकिन मैंने इसको यहाँ से होल कर दिया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं था। अब यहाँ से मैं 2-3 पंप करूँगा और देखूंगा कि क्या सच में ये वर्क करेगा। ये देखिए गाइस, देखिए तेल तो निकल रहा है सर, देखिए ये पूरी पाइप में तेल है, तेल आपको नज़र आ रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए। अब हम साथ ही साथ इस वाली, ये जो हमारे पास हर किचन में अवेलेबल होता है, इसमें भी डालेंगे, देखिए ये भी खाली था हमारे पास। ये तो ज़बरदस्त काम का चीज़ है सर,
ये तीसरा टेस्ट था इस पंप का और ये तीनों के तीनों टेस्ट में कामयाब हो गया। इससे पहले जो प्रोडक्ट मैंने लाया था वो एक जगह पे नाकाम हो गया था, तो उसका रेटिंग मैंने सिर्फ 1 स्टार दिया था। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके लिए एक ज़बरदस्त हेल्पफुल प्रोडक्ट है। सर आप इसको देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे हमारा फुल हो गया। देखिए ये फुल हो गया हमारे पास, जो भी हमारे किचन में होता है अब हमने इसको फुल कर दिया है। तो गाइस जब मैंने इस पंप को देखा तो मुझे लगा कि शायद ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन इसने 100% वर्क कर दिया और मैं अब चाहूँगा कि ये हर किसी कश्मीर के घर में होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे किचन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, या जो भी हमारे पास पेस्टिसाइड वाले होंगे या दूध वाला होगा या जो हम दुकानों के ऊपर ये पेट्रोल रखते हैं केनों में वो फिर गाड़ी में डालते हैं, तो उन सब भाइयों के पास होना चाहिए। खासकर हर कश्मीर के किचन में मुझे मिलना चाहिए और हर बंदा जो इसको लेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि हाँ भाई मैंने इसको अभी ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मेरी तरफ से इस पंप को 5 के 5 स्टार मिलेंगे और मैं अभी जाके जहाँ से मैंने इसको ऑर्डर कर दिया वहाँ पर इसके 5 स्टार दे दूँगा। और साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग भी जल्दी से इसको ऑर्डर कीजिए या मेरे साथ रहा कीजिए, मैं आपको मुनासिब रेट पर दे दूँगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय।